तो दोस्तों आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि इसका टोटल क्या हुआ, मतलब क्या बात हुई वहाँ पर किरोड़ी लाल जी के बंगले पर, हम वहाँ पर पहुँच गए थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने करा भी था कि हम आएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कोई नहीं आया वहाँ पर। ओनली 15 से 20 स्टूडेंट ही आए, बाकी कोई नहीं आया। और किरोड़ी लाल जी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने तुम्हारा रिजल्ट का सब कुछ काम करा दिया, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया मैंने तुम्हारे 11 अक्टूबर को, लेकिन कोई उनको धन्यवाद देने के लिए भी नहीं गया। दोस्तों धन्यवाद देने के लिए भी ओनली 2-3 विद्यार्थी गए थे, उनका बर्थडे था वहां भी, उस दिन भी कोई नहीं पहुंचे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी नाराजगी थी कोई उनको धन्यवाद देने भी नहीं पहुंचा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है, मतलब वहां पर पूरा 11 अक्टूबर के दिन इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। और तुम्हारा रिजल्ट भी जो दिवाली से पहले पहले उन्होंने बोला था किरोड़ी लाल जी ने कि दिवाली से पहले पहले तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और 100% दिवाली से पहले रिजल्ट आ गया हमारा तो, लेकिन इसको लेकर भी नाराज थे। और दोस्तों आज हम वहाँ गए तो ओनली 15 से 20 ही स्टूडेंट वहाँ पर थे, उसके अलावा वहाँ पर हमसे ज़्यादा तो आरपीएससी लेक्चर आर के स्टूडेंट थे, कम से कम 200 से लेकर के 300 स्टूडेंट वहाँ पर किरोड़ी लाल जी के बंगले पर गए थे। और उन्होंने जो वादा किया है किरोड़ी लाल जी ने जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का काम किया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिसंबर दिसंबर तक पूरी 100% उन्होंने कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा 100% डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको सबूत भी बताऊँ ना, हमने वहाँ पर उनको कागज़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंटों की मांग थी कि बैक लॉग का भी दिया जाए, तो बैक लॉग के भी वहाँ पर कागज़ उनको एप्लीकेशन लिख करके दी, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाए और आपकी ज्वाइनिंग जनवरी तक हो जाए, इसको लेकर के हमने उनको मतलब पूरी तरह से एप्लीकेशन दी थी, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पूरा वीडियो बताऊंगा मैं आपको क्या क्या हमने वहां पर दिए। और उसको दोस्तों वहां पर लेक्चर हाल के कम से कम 200 से 300 विद्यार्थी है, और किरोड़ी लाल जी ने कहा कि यार लेक्चर हाल वाले विद्यार्थियों से वो नाराज है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा लेक्चर हाल का काम मैं करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने आज हमें वहां पर उनका बड़ा आंदोलन था, इस वजह से उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो हमने मतलब एलडीसी के मुद्दे पर वहाँ पर बात की थी, लेकिन वो उनके पीओ को हमने वो कागज़ दे दिए जो कि किरोड़ी लाल जी ने खुद देखे थे, मतलब जो बैग लोग के थे, बाकी एलडीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था, और उसके अलावा वहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग लेटर का था, उसके अलावा आरपीएससी वालों ने भी, आरपीएससी लेक्चरार वालों ने भी वहाँ पर उनको अपनी समस्या बताकर उन्होंने की तुम्हारी पूरी समस्या का समाधान करूँगा मैं। और उसके अलावा दोस्तों अब देख लो मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ आपको, ये हमने वहाँ पर किरोड़ी लाल जी को कागज़ दिए थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो, ये देख लो दोस्तों, ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक कागज़ है, ये कागज़ हमारे द्वारा दिए गए थे, भाई राधे उन कागज़ों को लेकर के गया था, हमने पूरी एप्लीकेशन टाइप कर करके उनको दिए थे, उनके पीए के पास ये कागज़ पहुँच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कागज़ दिख रहे हैं आपको, ये पुलिस कांस्टेबल के हाथ में कागज़ दिख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ही कागज़ दिए गए थे, बाकी आरपीएससी वालों ने भी आरपीएससी लेक्चर आने उनकी एग्जाम डेट बढ़ाने को लेकर कागज़ दिए थे, और बाकी गरीब किसान वो भी अपने मतलब सब कुछ वहाँ पर आए थे। ये देख सकते हैं आप, बाबा को हमने कागज़ दे दिए, उनका पीए ये परेला जी है, इन्होंने कागज़ ले लिए। और किरोड़ी लाल जी ने कहा कि मैं अगर कल फुर्सत मिली, मेरे पास टाइम मिलते ही मैं खुद जाटावत जी से बात कर लूँगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन आज उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था इस कारण से, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाना था, कोई हीरो मोटर कोप कंपनी है मतलब वहाँ पर जमीन अधिग्रहण किया, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। और लेकिन दोस्तों देख लो किरोड़ी लाल जी का इतना आदमी आते, और उन्होंने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने दिया, उन्होंने खुद ने कह दिया कि मैं तुम्हारा पूरा काम कराऊंगा, हमने बोल दिया यहाँ पर एलडीसी का कागज़ दे दिया, बाकी ये गरीब किसानों के मुद्दे थे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अब मैं आपको कर देता हूँ, बाकी ये हमने तो वहाँ पर हमारे कागज़ दे देते, उन्होंने कह दिया कि मैं पूरी जाटावत जी से बात करूँगा। अब आप देख लो राधे भाई खड़ा है यहाँ पे, धीरू भाई खड़ा है, मतलब हम 15 से 20 जने ही वहाँ पर गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज का टोटल यही रिव्यू था, जो भी था हमने आपको बता दिया है, बाकी हमने पूरा मुद्दा उठाया एलडीसी का पूरा वहाँ पर दे दिया, बाबा ने कहा कि तुम्हारा काम जल्द से जल्द करवाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।